मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? तो हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। और सबसे पहले आते ही प्लीज़ ब्लॉग को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताना भी कि ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। सो आज लो हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, क्योंकि आज है नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग जा रहे हैं, मेरी जेठ की बेटी के मुंडन है, हमारे परिवार में ही है, यहीं पे अदा के मुंडन है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, काला फाट मंदिर में। आज घर के ही लोग जाएंगे, जातर जाती हैं यहाँ से खूब बैंड बाजे के साथ, तो बस हम लोग भी वही करने जा रहे हैं साथ में। और यहाँ पे मतलब कि मेरे ससुराल साइड में जो होता है, यहाँ पे जातर जाती है मंदिर में बाल कटवाने के लिए, तो बस वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। आज सिर्फ फैमिली वाले जा रहे हैं, और बाकी कल जाएंगे पूरे गांव वाले और सारे रिश्तेदारी। तो आज कालाफाट जा रहे हैं मंदिर में, तो आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से जाते हैं। मैं भी वहाँ पर पहली बार ही जा रही हूँ, कह रही। और अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, तो हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। अगेन हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग उतर गए हैं जहाँ पे लास्ट स्टॉप जाता है गाड़ी का। ये हमारे सब लोग जातर वाले हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ये देखिए भैया वहाँ पे ढोलक बजा रहे हैं। ये है अदा के पापा और ये है अदा की बड़ी मम्मा। सो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे उस तरफ से, शायद मे भी पैदल जाना है क्योंकि गाड़ी यहीं तक जाती है। तो आइए चलिए चलते हैं माता दी। तो बाकी मैं आपको तो बताती रहूँगी, मे भी 2 आवर्स का रास्ता है, तो बस आइए चलते हैं। और हमारे ये छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, विहान है और बाकी और भी है, वर्णित भी है उधर अम्मा है, तो हम लोग अब निकल चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से रास्ता काफ़ी दूर है। तो वर्णित अभी अपने मामू के साथ जा रहा है, अभी ले लूँगी। भैया वगैरह पीछे से आ रहे हैं और ये अम्मा वगैरह, हम लोग बस चले हुए, तो सांस भी थोड़ी थोड़ी भारी होने लगी है क्योंकि अब तो शायद चढ़ाई का रास्ता है, फिर शायद चढ़ाई का है। मैं भी मैं नहीं गई हूँ, बट रास्ता बहुत अच्छा है। चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन अगेन। तो अभी हम लोग पहुँचा, वो जो पीछे पहाड़ियाँ दिख रही है ना, उसको पूरा नीचे को क्रॉस करके हम पे रिवर साइड पे पहुँचे, और यहाँ पे गांव है बहुत ही प्यारा सा। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा गांव है। आधे रास्ते तो मैं वर्णित को लेके आई हूँ, आधे तो क्या पूरे से ही फिर भैया वगैरह ने ले लिया है। और ये मंदिर है, जगह यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी गलियाँ हैं। देखिए लोग भी कहाँ कहाँ से आके बस जाते हैं यहाँ पे। पूरा रास्ता रोड बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ रास्ते ऐसे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये डॉगी प्यारा सा, पता नहीं मुझे काट तो नहीं लेगा। चलो चलो, नो 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 नो, मुझे डर लग रहा। अरे अभी आंटी अब कहाँ गए? कर आंटी अच्छे थे, यहाँ से चल आगे ही निकल गया, बाकी सारे में रह गए पीछे। ये देखिए आगे है टेंपल में, जय नाग देवता, जय पहुँच चुके हैं। और सबकी शक्ल 12 बज गए, काले नाग ये देख सकते हैं आप लोग। टेम्पल का अरे पौड़ी थी यहाँ, ये तो बुआ जी की शक्ल। हर कोई जग लगी जरूरी भी थी। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, गोरे बंदे का ये फायदा। ये लो जी लड़की की ताया ताई भी पहुंच चुके हैं। लेमन ले लो, ये लो। ये रशिक आ गया है लेकर। वर्णित आ जाओ, टंडन लाल हो गया। ना भैया चला है, बड़े रास्ते चला है, बीच में वर्णित गिर जाएगा। देखो विहान झंडा लेके आया है, और अभी बाकी लोग आने वाले, जिसका मुंडन है वो भी आने वाले हैं। और ये है टेंपल अंदर, ये देखिए ये है हमारी मुंडन गर्ल। ओ
और अभी सब लोग पहुंच चुके हैं, तो देख सकते हो सब लोगों के 12 बज गए। ये ले इसका मंदिर आज। और ये आजा ब्लैक बाबा ब्लैक शिप का मिल गया। मैं माउंटेन में तो हम लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को व्यू डैम में जुड़े क्या ना चाहिए था तो व्यू डैम में नहीं बहुत बढ़िया। और अभी हम लोग ब्रेक टाइम कर रहे क्योंकि अंदर से माता वगैरह टेक के आ चुके हैं और बच्चे जूस और खाना पीना वगैरह कर रहे हैं। ले लो व्यू फूड का खाना लो तो गाइस ये वर्णित मोटा साहेब देखो क्या कर रहा है। तो पापा के पास चला गया और जहाँ पे दादी थक गए थे तो लेट गया। फिर ये मेरी बुजी है और ये सारे लोग हैं ये खेल रहे हैं। अब हमारे इयररिंग्स जाएंगे पर्स में। हमने इयररिंग दिखाया। ये पापा जी है इधर और यहाँ कुछ घर है इधर और इधर भी है कुछ घर। बाल्टी गाइस इधर जैसे जाके इधर एक मंदिर है इधर जैसा मंदिर है और इधर ये वर्ण शरारती कर रहा है मंदिर में जाके गाइस। और ये है असली मंदिर यहाँ पे अंदर है। आपको कैसे दिखाऊं यहाँ पे बाहर आ गई करीबी ये पापा तो बाद में मिलते हैं। हम लोग खाना खा ले हमारा खाना आ गया। बहुत दिन से है तो सुबह से हम लोग कुछ भी नहीं खाए हैं और प्रसाद में अब तो बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। कैसे लग रहा है अच्छा अच्छा बस तो फिर आप देख रहे हैं सुस्ती जो होगी टांगे ही नहीं चलने ऊपर को इनको दे देंगे खा लेंगे। अब भैया इनको ही देना आप अपने बर्तन लाओ ना नहीं अब तो जाने वाली भी है खानी मम्मा खाना ही हम लोग खा लेते हैं खाना। अरे अभी हम लोग बस खाना खा के फ्री हो चुके हैं। वर्णित जूस पी रहा है इसने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया हुआ है और खाना वर्णित ने बिल्कुल भी नहीं खाया हुआ है और यहाँ पे हीट वगैरह अपना एक वगैरह कर रहे हैं और बाकी लोग भी है हमारे मुंडन के और यहाँ पे भी टेम्पल है और अम्मा ऊपर पहुँच गई है वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अभी तो हमें वो जो पहाड़ी दिख रही है उसके टॉप में जाना है और यहाँ पे हमारे भैया और यहाँ पे है ये छोटी सी दुकान और बाकी अब बस लास्ट में अब लास्ट ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा है और उसके बाद हम लोग भी चल पड़ेंगे। और मैंने ये वीडियो बता दी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है बार 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 उधर भाग रहा है तो मैं इसको लेकर आती हूँ। तो हम लोग भी यहाँ से अब निकल चुके हैं सब ने अपने बैग वगैरह ले लिया है और बस हमें अभी वहाँ पे टॉप पे पहुँचना है रोड में। तो देखते हैं धूप भी जाने वाली है और मौसम ठीक है उतनी धूप नहीं होगी तो बाकी पीछे से आ रहे हैं तो यहाँ से हम लोग बस जाने वाले हैं। और यहाँ से आते आते पहले हमें मोर भी दिखा था और जगह तो बहुत अच्छी है ऑसम है। अगर आपको भी आना है यहाँ पे तो सुबह जल्दी आ सकते हो और यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो और फोटोशूट वगैरह कर सकते हो। और मैं आगे रिवर है तो आपको रिवर का बताते हैं। हम लोग अब निकल चुके हैं घर के लिए बाकी सब लोग आ रहे हैं पीछे से तो अभी अम्मा वगैरह चल रहे हैं स्लोली स्लोली तो अभी हम लोग भी पहुंच जाएंगे आराम से। और रास्ते कुछ पथरीले ऐसे गोल तरीके के पत्थर हैं यहाँ पे
जो कि जैसे पैर भी मुड़ सकता है। तो रास्ते में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि पता है आप लोगों को थोड़ा चलते चलते मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, और आगे भी कोई बच्चे वगैरह हैं तो देखते हैं यहाँ पे पता नहीं किस तरीके से लोग रहते हैं। और ये देखिए देखो डॉग छोटी छोटी, वो देखो ये छोटा बच्चा आंटी काट रहे थे घास। अच्छे से अम्मा वगैरह आ रहे हैं और मैं थोड़ा आगे निकल गई हूँ क्योंकि वर्णित आगे चला गया है, शायद उसको पानी वगैरह की ज़रूरत होती है, साथ साथ में बच्चे को थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाता है। और भैया वगैरह भी चले गए तो नदी के पास मैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह ले लेती हूँ। और व्यू कुछ इस तरह का है जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है चलने में, अब जब चढ़ाई आएगी तो फिर तभी पता चलेगा कि किस तरीके से हो रहा है। ये देखिए नदी का बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से दिख रहा है। और भैया वगैरह ना आगे पहुँच चुके हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए पत्थर कुछ इस तरीके से हैं, अरे बच्चे जा रहे हैं पानी में और अभी थोड़ा सा हम लोग करते हैं फोटोशूट। हाय हाय कर दो मम्मी को। हाय मानी है वो फिश। चलो यहाँ पे पानी में मे भी फिश है तो हम लोग फिश देखते हैं। गाड़िया कहाँ है, पानी बिल्कुल साफ है। देखिए नहीं मामा, अरे यहाँ से ले लेते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे रोड था, तो आप लोगों को दिख ही रहा है मेरे मुंह पे कितना पसीना और बाकी सब जगह अंधेरा हो चुका है। हम लोग लगभग 5:30 बजे निकले थे और अभी टाइम हो चुका है 6:44 और बाकी हमारे लोग वहाँ पे हैं, पहुँच चुके हैं, कुछ रह गए अभी। अरे लोग 5:30 बजे चले थे ना, 1 घंटा 10 मिनट लग पड़े जी, लग पड़े होते तो 3 व्लॉगर्स होते।